उसके बाद भाई नहाएंगे, फ्रेश होंगे और निकलेंगे आज अपनी स्कूटी लेकर लंबी राइड पे। भाई पीछे पे खड़े कौन सा ब्रिज है भाई? भाई पंजिम जो जाते हैं पंजिम वाले रास्ते पे ब्रिज पड़ता है भाई, उस ब्रिज पे खड़े हैं और दूर दूर तक घंटा। अच्छा दूसरी बात ये, इसके सामने वही जो मैंने कल रात कैसीनो दिखा रहा था वो है उधर की साइड, क्रूज वगैरह पुल के उधर की साइड है। और भाई मतलब नीचे देख रहे हैं ना, खतरनाक फीलिंग है। भाई चर्च है, सेंट जेवियर चर्च है और 1594 में बनाया गया था, बहुत पुराना चर्च है। ये देख रहे होंगे आप, अंदर चल रहे हैं इसके और कहते हैं एक डेड बॉडी रखी हुई है 450 साल पुरानी इसके अंदर, सेंट जेवियर की। भाई अंदर चर्च के अभी दिखाया मैंने आपको कि एक डेड बॉडी रखी हुई है 450 साल से, बताते हैं वो रखी हुई है और अब उसके बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, पता नहीं बढ़ रहे हो क्या पता भाई, तो काटो फिर, काटने चाहिए। लेकिन ठीक है जो भी है, अच्छा है, अब बहुत अच्छा बना हुआ है चर्च और मज़ा आया देख के। भाई अंजुना बीच जा रहे हैं और अंजुना बीच का जो भाई रास्ता है ना सबसे मस्त लगा मेरे को, अंदर अंदर का जो रास्ता है ना भाई, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। और दूसरी बात भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आके टैक्सी वैक्सी ना करें, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी आप लोगों को। स्कूटी ले लें, कोई भी ले लें, बाइक ले लें, कार ले लें, आपको सब चीज रेंट पे मिलेगी, थार तक मिल जाएगी 2000 तक की रेंट, कोई भी स्कूटी 300 रुपए में आपको 300 रुपए में स्कूटी मिलेगी। और अगर बाइक लेते हो या फिर अप्रीला जो हमने ले रखी है ये वाली स्कूटी या बुलेट, वो 600 रुपए मिलेगी भाई। बाकी सारी स्कूटी जो है वो 300 रुपए मिल जाएंगी आपको। और स्कूटी ले लें, स्कूटी से घूमे यार पूरा गोवा, मैं तो यही प्रेफर करूंगा। जिस सीजन में आने का गोवा में कोई फायदा नहीं है यार, विदाउट सीजन आओ, हर चीज की फैसिलिटी, हर चीज अवेलेबल होगी आपको, बेस्ट क्वालिटी नेचर है, फीलिंग अलग है, खतरनाक। पता नहीं यार कैसा लगेगा आपको गोवा का ब्लॉग, ये जो सेल्फी मोड पे कैमरा पकड़ना कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं यार, मुझे कुछ ना कुछ तो कर रहे थे आपके लिए, क्योंकि जब आए थे तो सोचा कर लेंगे, इसलिए करने लग गए। बाकी तो वैसे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे जो सेल्फी मोड पे नहीं होंगे, लेकिन अब हमें ही आना पड़ा तो मैंने कहा कर लेते हैं, कुछ ना करने से तो कुछ करना बेटर है भाई। तो कर लिया भाई। भाई बागा बीच है, ये बागा बीच कुछ नहीं है, छोटा सा बीच है। समीर भाई तो हाँ भाई, मैं तो ये तो डुबकी लगा ली भाई, बढ़िया तबीयत से समुद्र के अंदर पूरा लुक किया भाई। हाँ इन्होंने तो भाई पूरी खेल गया, हालत देख ही रहोगे भाई, इस समय पूरी जींस भीगी हुई है। अब या तो भाई होटल जाएंगे और अगर मौसम अच्छा रहा तो अगोड़ा बीच जाएंगे, ठीक है भाई। भाई मौसम हो जाता कभी भी खराब यहाँ पे, सही बात है। और जैसे बारिश आ गई जा रहे थे अगोड़ा बीच जा रहे थे भाई, और बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो गया। एक रोड दिखी बहुत अच्छी थी जा रही थी जो, मैंने कहा चलो इस पे चल के देखते हैं। भाई व्यू यहाँ से बड़ा तगड़ा है, मतलब जिनके भी घर है ना यहाँ पे ऑसम, मज़ेदार, और मतलब जिंदगी के मजे ले रहे हैं यार। और जो अभी हम खड़े हैं ये चर्च है, चर्च है, लॉक हुआ है, ये लॉक्ड है चर्च, यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि बारिश आ गई। और ये दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पे घर हैं लोगों के। हाँ। ये लोगों के घर हैं। और अभी अंकल फिशिंग कर रहे थे, मैंने देखा मछली। यार एक बात है, यहाँ के लोग ना बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं हमारे से यार, वो तो है समीर भाई, हम तो पोल्यूशन में बड़े हुए। यहाँ के लोगों को देखते ना बड़े खुश हैं, अपनी जिंदगी के अंदर मस्त हो रखे हैं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। और क्या टूरिस्ट की ना गोवा के अंदर बड़ी इज्जत करते लोग,
हाँ ये है, ये सबसे अच्छी बात है। ये टूरिस्ट अगर आता है तो इज्जत करते हैं, बोलने का तरीका इनका बहुत अच्छा है, बहुत प्यार। तो बाकी तो भाई अभी काट रहे हैं टाइम यहाँ। ये अपनी स्कूटी खड़ी है, ये खड़ी, और दिखाता हूँ मैं थोड़े बहुत और शॉट्स यहाँ के कैप्चर कर गया। समीर भाई, हाँ भाई, जास्ती बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा भाई, पूरे गोवा के बंदे बन गए। हाँ, कल से यही ड्रामा पैर रखा है भाई, पहनने का मन ही नहीं कर रहा कुछ और यार, कपड़े सूटकेस भर के लेके आए थे भाई, भाई सुबह निकले थे खाना खाने के लिए, दीपक भाई बोला यार समीर भाई खाना खाने चलते हैं भाई, होटल निकले, अब तक होटल शाम होने वाली है, होटल नहीं गए, होटल नहीं गए भाई अब तक, अभी घूम ही रहे हैं, रहे हैं 6:34 हो रहे हैं भाई, होटल नहीं गए अब तक, अब सोच रहे हैं अब जाते हैं भाई और अब रेस्ट करते हैं, हो गए फ्रेश हो गए, क्योंकि कल यार 12 बजे की फ्लाइट है और कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना है हमको एयरपोर्ट। ये कैब बेसिकली यार ये अगोड़ा फोर्ट है, पहले फोर्ट था लेकिन ये बीच में लाइट हाउस का काम करता था, बोट्स को क्या इशारे देने के लिए, इशारे गंदे गंदे मतलब सिग्नल देता था बोट को। समीर भाई ये क्या है, खाई है के? नहीं नहीं खाई कोई नहीं ना भाई, इसमें तो कूदेंगे हम। मतलब पूरी सेफ्टी से किला बनाया था कि कोई चढ़ ना सके, पार ना कर सके, ये पूरी सेफ्टी से बनाया था कि भाई कोई चढ़ाई ट्रैकिंग वगैरह ना। समीर भाई दिखाएंगे हमें कितना गहरा है एक बार जाके। जरूर मैं दिखाऊंगा जाके। लेकिन भाई बहुत अच्छा बीच है ये भी, और ये एक किला टाइप बनाया हुआ है। तो भाई सो के उठे हैं सुबह सुबह, जबरदस्त मजा आ गया है, आप लोगों को अपनी कहानी शेयर करेंगे, आपको भी बहुत जबरदस्त मजा आएगा। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, पहले तो भाई एक इतना प्यारा सीन हो गया तुम्हारे भाई के साथ, हमने 3 तारीख की फ्लाइट करी थी रिटर्न एंड दोनों मतलब आने जाने की दोनों तरफ की करी थी, अब यार हमने ना ध्यान दिया नहीं, हमने ध्यान दिया इस पे, एक मिनट फोकस नहीं हो रहा, अरे उस पे करो ना फोकस यार, अब हुआ फोकस, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना आप कि 12 बजे की फ्लाइट थी हमारी, 12:50 की AM सुबह की रात की फ्लाइट थी, और भाई लोग सुबह 8 बजे जल्दी से तैयार होके हमने कहा भाई चलो फ्लाइट पकड़नी, उठ जाते हैं तो जनाब ने फोन लिया और फोन में बताया कि समीर भाई खुशखबरी आपके लिए, मैंने कहा वो क्या है, कह रहा भाई फ्लाइट हो गई है मिस, तो भाई दिल में दंदल सा बह गया, मैंने कहा फ्लाइट मिस हो गई, पर हमने कहा कोई बात नहीं यार, अब मिस हो गई तो मिस हो गई, रोके कोई फायदा नहीं, तो दोबारा की बुक करेंगे भाई। 6 तारीख की फ्लाइट हमने सोची कि 12:50 दोपहर की और 12:50 सुबह की थी, तो हो गई यार फ्लाइट मिस, और भाई इस हिसाब से देखो करंट में बुक कर रहे हैं तो फ्लाइट भी बहुत महंगी है, 10,000 की टिकट है, तो बैंकॉक का टूर पड़ गया। हाँ भाई गोवा भी वो दिखा रहा है, एक मिनट, गोवा भी वो ये शो कर रहा है कि भाई हम ट्रेवल्ड कर चुके हैं। और उस्ताद जी ने फोन करा गोवाई वीवो वालों को, तो मैडम बोलती है कि आपको चेक से दूं पेमेंट या RTGS कर दूं। तो वो तो कह रही भाई आप तो दिल्ली में हो इस टाइम। हाँ उन्होंने बोला सर आपका तो शो कर रहा है कि आप दिल्ली पहुंच चुके हो। चलो भाई अब ये तो क्या करें, और बारिश दिखाओ यार, एंजॉय तो कर ले यार, इतना पैसा बारिश खर्च कर रहे हैं, बारिश एक नंबर हो रही है भाई यहाँ पे जमाई जम। दूसरी बात यह है कि अब दोबारा फ्लाइट बुक कर रहे हैं और अभी निकल रहे हैं, 2 या 3 बजे की फ्लाइट होगी दोपहर की, और बारिश देखो यार बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है, खतरनाक लेवल पे। तो भाई निकल चुके हैं होटल से और जा रहे हैं एयरपोर्ट, भाई बारिश बहुत है, टैक्सी करी है तो टैक्सी से अब एयरपोर्ट जा रहे हैं सीधा, अब रास्ते में कोई व्यू दिखते हैं, व्यू दिखाएंगे आपको,
और मिलते हैं सीधा सुनी था। इस बार टाइम पे निकल लें बहुत जल्दी। हाँ, ढाई घंटे पहले भाई एयरपोर्ट की तरफ निकल गए वहाँ से। जब से हुई है ना फ्लाइट मिस, जब से हमारे चल गए दिमाग सबके, दोनों के, हम दोनों के। भाई मैंने बताओ यार, दारियल वाले हैं और AMPM नहीं पता लगा। बताओ फ्लाइट मिस हो गई। कितने समझदार है यार हम लोग। फ्लाइट दोबारा कर दिए भाइयों बुक। और 235 की फ्लाइट से कितने की फ्लाइट है भाई? हमारी है 5:15 में पहुंच जाएंगे दिल्ली। 2:35 की है ना यहाँ से? 2:35 की फ्लाइट है भाई, डबल रेट पे लेनी पड़ी। सारी समझदारी घुस गई रियल वन वालों की। चलो कोई नहीं भाई, होता है। अब ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, मॉल में आए हैं, एक मॉल दिखा था टैक्सी साइड में लगवाई, मॉल में आए हैं। टॉप फ्लोर पे होता है फूड कोर्ट हमेशा, तो देखते हैं फूड कोर्ट पे जाते हैं। ऐसा गाड़ी के अंदर कुछ लेके जाएंगे, पैक करा लेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट अब टाइम से पहुंचना है। हाँ भाई, पहले ये फ्लाइट मिस नहीं करनी भाई। चलो भाई, तो भाई ले लिया है अपने KFC बिरयानी वेज भाई के लिए। वेज बिरयानी मेरे लिए और चिकन बर्गर भाई के लिए और वेज बर्गर मेरे लिए। यार ये भाई यार थोड़ा प्योर वेजी है भाई, थोड़ा सा ज्यादा वेजी है, इन भाइयों को करना पड़ेगा यार। करने के बाद दूसरी पकड़ने की फ्लाइट ले ली है और टाइम से आ गए अब। टाइम से आ गए हम तो भाई 20 मिनट पहले ही आ गए हैं फ्लाइट पे, और तैयारी है वापसी आने की। चल रहे भाई, और क्या यार, फ्लाइट मिस करवा दी यार समीर भाई ने यार। हाँ। कोई याद भी नहीं दिलाया। बंदे के फोन में स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, 3 बार पूछ चुका बंदे ने, एक बार भी नहीं पता कि भाई ये देख लो। सुबह बोल रहा समीर भाई कहानी हो गई अपने साथ। मैंने बोला भाई कहानी क्या हो गई? कह रहा भाई सीन हो गया। अब जब बोल रहे हैं भाई कि यार मैंने AM PM तो देखा ही नहीं, तो भाई समझाओ इन्हें AM और PM में फर्क। भाई वो फर्क तो पता है लेकिन देखा ही नहीं। तो भाई आ गए गोवा एयरपोर्ट के पास और हमने टिकटिंग वाले से बात करी, उससे पूछा कि यार हमारी फ़्लाइट मिस हो गई, कुछ रिफंडेबल है क्या? कह रहा हाँ सर रिफंड हो जाएगा बिल्कुल, आप 2 लोगों के थे तो 400-400 रिफंड हो जाएंगे। तो हमने बोला कि भाई 400-400 की खा लेना मूँगफली। हमने कहा भाई वो सुबह जो फ्लाइट मिस हुई थी, कह रहे हाँ वो फ्लाइट फीस आपको मिल जाएगी। तो हमने कहा कितनी मिल जाएगी? कह रहे भाई वो 400 पर ईच पर्सन हम दे देंगे। तो हमने कहा भाई एक काम करो रे, तुम उनकी खा लो, तुम मूँगफली भाई जा रहे हो जितने भी बैठे हो, स्टाफ में भी बांट देना भाई। बाकी तो आपको इधर प्लेन है, बाकी जा रहे हैं अभी प्लेन में बैठने। तो डिंग चिक्का ये खड़ा भाई अपना जहाज, इसी में जाना है अभी। हाँ डंग में लोड करते सामान फटाफट। हेलो भाइयों, आ गए दिल्ली। दिल्ली आ गए भाई, उतर गए, ये रहा जहाज अपना, अभी उतारा इसने हमें। ठीक है भाई दिल्ली आ गए हम। अब ये बताओ इस बस में चलना दूसरी बस में चलना? दूसरी में चलेंगे, खाली में। भाई आ गए हैं फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पे और अब जा रहे हैं घर। भाइयों बहुत है भाई, आई होप कोशिश करी है आपके लिए अच्छा करने की, पता नहीं कैसा लगा होगा आपको, कैसा नहीं लगा भाई। सिर्फ 2 लोग थे, कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इस बार पता लगा कि भाई 2 लोगों का कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, और तो जैसे ही बनी हो। हाँ भाई, बाकी तो सब आपके ऊपर है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, द ऑफिशियल जो चैनल का इंस्टाग्राम पेज है उसको यार जाके फॉलो करो। और मेरी आईडी है DVRMA3, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बातचीत करेंगे अच्छे से। तो भाई टेक केयर, बाय बाय, लव यू लॉट, सब्सक्राइब कर लेना भाई सारे।